मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बुल्ली भाई ऐप मामले में मुंबई साइबर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बेंगलोर से 21 साल के एक संदिग्ध युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इसे मुंबई लाया जा रहा है। मुंबई लाने के बाद ही इससे आगे की पूछताछ होगी। आपको बता दें कि ये बुल्ली भाई ऐप वही है जो मुस्लिम महिलाओं की सौदेबाजी करने वाला ऐप है। इन दिनों विवादों के घेरे में है। इस ऐप का नाम बुल्ली भाई ऐप है और ये गिटहब पर अपलोड किया गया था और पूरे भारत में इस ऐप से हाहाकार मच गया। यहाँ तक कि दिल्ली से मुंबई तक इस ऐप के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। आरोप है कि बुल्ली भाई ऐप कथित तौर पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करके अपमानित करता था और मुस्लिम महिलाओं के सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे अन्य प्लेटफार्मों से इनके फोटो अपलोड करके बुल्ली भाई ऐप पर अपलोड कर देता था और इन मुस्लिम महिलाओं के नीलामी के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता था। हालांकि जब ये मामला सामने आया उसके बाद केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिक मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस ऐप बनाने वाले यूजर को गिटहब पर ब्लॉक कर दिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इसी तरह से एक मामला और भी सामने आया था 2020 में, सुल्ली डील नामक एक ऐप था। इस पे भी मुस्लिम महिलाओं की नीलामी किया जाता था और जैसे तैसे ये मामला शांत हुआ। उसके बाद फिर जो है अब बुल्ली भाई नाम का ये ऐप सामने आया और ये दोनों ऐप जो है गिटहब पर ही अपलोड हुए थे। बहरहाल इस पूरे मामले में जो बुल्ली भाई ऐप है, इस पूरे मामले में अब बेंगलोर से एक संदिग्ध युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये युवक 21 साल का है जिसे मुंबई लाया जा रहा है और मुंबई लाने के बाद ही इससे इस मामले में आगे पूछताछ की जाएगी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।